बुधवार सुबह तुर्बे के सीडब्ल्यूसी वेयरहाउस में लगी आग पर काबू पाने में जुटे दमकल विभाग के जवान प्रयास करते दौरान ही दोपहर को कोपरखरने सेक्टर एक स्थित रहमत ट्रेडर्स नामक भंगार गोदाम को शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लगी। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग काबू में लाने का प्रयास किया, किंतु गोडाउन में रखे प्लास्टिक सामान आग की चपेट में आने की वजह से यह आग काफी भड़क उठी, जिस वजह से कर्मचारियों ने मुंह पर रुमाल बांधकर आग बुझाने की कोशिश की। किंतु गौरतलब बात तो ये है कि अगर नवीनभाई मनपा इन जवानों को सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराती है तो यह जवान इस उपकरण का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, ऐसा सवाल उपस्थित हो रहा है। इस बात की जानकारी जब दमकल विभाग के अधिकारी गणेश पाटिल से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा उपकरणों की जरूरत है। आग लगी थी लगभग 14-26 को आग लगी थी और कदम नाम के आदमी ने कॉल दिया था, यहाँ पर हम लोग आए तभी भंगार सामान रखा था उसे आग लगी है और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हाई टेंशन लाइन गई है वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके वजह से नीचे घास को आग लगा, फिर इनके स्क्रैप में आग लगी। यहाँ पर तो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि हाइड्रेंट पॉइंट की व्यवस्था होना जरूरी है, आग बुझाने की इन लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए, एक्सटिंग्विशर वगैरह रखना चाहिए इन लोग ने। अभी तक ऑडिट करके हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल तुर्बे इलाके में कई गोदामों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से कई बार इस इलाके में लगी आग को बुझाने में दमकल विभाग के जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन प्रदीप कप्स के साथ जैन कबराल की रिपोर्ट।